नमस्कार, मैं कपिल शर्मा बिहार निर्वाचन सेवा का पदाधिकारी हूं और बीपीएससी के 53वें 55वें बैच से सेलेक्ट होकर मैं आया था और 2013 से मैं पोस्टेड हूं। इस बीच में मैं बिहार के कई ज़िलों में पोस्टेड रहा हूं, जैसे मैं मोतिहारी में रक्सौल एक सब डिवीज़न है वहां पे पोस्टेड रहा हूं, छपरा में रहा हूं और आजकल मैं पटना में निर्वाचन विभाग के हेडक्वार्टर में हूं और यहाँ पे मैं वोटर अवेयरनेस से रिलेटेड कार्यों को देखता हूँ। हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय होता है जो भारत निर्वाचन आयोग के लिए कार्य करता है और वहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं उनको चीफ इलेक्टोरल अफसर कहा जाता है, जो भारत निर्वाचन आयोग के लिए कार्य करते हैं। मेरा कार्य उनको सबॉर्डिनेट करना है और निर्वाचन संबंधी कार्यों के संचालन में उनकी सहायता करना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्शन अफसर का जो रोल है वो किसी भी स्टेट में इलेक्शन रिलेटेड कार्यों को संचालन करने के क्रम में चीफ इलेक्टोरल अफसर को सहायता पहुंचाना है। मैं सब अपनी पढ़ाई के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेस की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। मेरा जन्म कानपुर में हुआ था और उसके बाद चूँकि मेरी परवरिश मेरे नाना नानी के साथ हुई है, तो मैं चूँकि मेरे नाना डिफेंस अकाउंट सर्विस के ऑफिसर थे तो उनके साथ साथ जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ वहाँ मुझे रहने को मिला। मैं कानपुर रहा, लखनऊ रहा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहा, कटनी में रहा, तो अलग अलग शहरों में मुझे रहने का, अलग अलग कल्चर को समझने का, क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझने का मुझे मौका मिला और अलग अलग बोलियों के बीच में भी मुझे रहने का मौका मिला, तो ये मेरा एक सौभाग्य है। डीकेटी स्टेट पीसीएस। अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए डीकेटी स्टेट पीसीएस। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेरी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई लखनऊ से हुई है, उत्तर प्रदेश से, यूपी बोर्ड से, और उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन को लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली चला गया था मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यू दिल्ली, JNU कैंपस से। और JNU कैंपस से मेरा मास कॉम कंप्लीट करने के बाद मेरा प्लेसमेंट बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में हो गया था और मैं उसके हिंदी एडिशन में स्टाफ करस्पॉन्डेंट के तौर पर कार्य करता था। इस बीच में मैं कई तरीके की बीट्स कवर करता था। बीट्स होते हैं, हर एक रिपोर्टर जो होता है अलग अलग क्षेत्रों की बीट्स को कवर करता है, तो उसमें मैं रियल इस्टेट, कमोडिटी और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट को कवर करता था, तो 4-5 साल मैंने वहाँ पे कार्य किया है। और 2000 इसी बीच में मैं साथ में तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए मैं मास कॉम करने चला गया था, लेकिन मास कॉम में फिर मेरा मन लगने लगा और मुझे लगा कि बहुत डायनेमिक फील्ड है, तो मैं उसमें स्टे कर गया और मैंने कुछ दिन वहाँ पे नौकरी का भी एक्सपीरियंस लिया। लेकिन साथ ही साथ चूँकि तैयारी चली रही थी तो मैं एग्ज़ाम्स भी दे रहा था। इसी दौरान मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया और मेरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 53वें से 55वें बैच में सिलेक्शन हो गया सब इलेक्शन अफसर के तौर पे। और 2013 से मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, पोस्टेड हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि इस दौरान मेरा बिहार में अलग अलग ज़िलों में पोस्टिंग रही है और चुनाव कराने के क्रम में लगभग बिहार के ज़्यादातर ज़िलों में जाने का मौका मिला है। पोस्टिंग मेरी रही है मोतिहारी ज़िले में, जिसको पूर्वी चंपारण के नाम से जाना जाता है, छपरा ज़िले में मेरी पोस्टिंग रही है और उसके बाद मैं हेडक्वार्टर, निर्वाचन विभाग के हेडक्वार्टर में कार्यरत हूँ।
निर्वाचन सेवा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये निर्वाचन सेवा क्या है और ये किस तरीके से जुड़ी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से। हम लोग जब संविधान की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 324 है, उसमें भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, जिसे भारत में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो चुनाव संबंधी कार्य होते हैं उनको करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होता है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अफसर होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, और वो भारत निर्वाचन आयोग के लिए उस राज्य में चुनाव संबंधी कार्यों को देखते हैं और उनको चीफ इलेक्टोरल अफसर कहा जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर होता है, जो डीएम होते हैं, डीएम को ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर कहा जाता है। स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल अफसर को इलेक्शन रिलेटेड कार्यों के संपादन के क्रम में सहायता करने के लिए या सबॉर्डिनेट करने के लिए एक मशीनरी की आवश्यकता होती है, तो वो मशीनरी हम ही लोग हैं। मतलब इलेक्शन ऑफिसर वो ऑफिसर होते हैं जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हैं, आवश्यक सबॉर्डिनेशन देते हैं। बिहार इलेक्शन सर्विस जो है वो अपने नेचर में एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन वाली सर्विस है। इसमें आपको चुनावों की विशेषज्ञता के साथ कार्य करना होता है और यहाँ पे आपको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर धीरे धीरे चूंकि चुनाव एक ऐसा कार्य है एडमिनिस्ट्रेशन में जो बहुत ही जटिल कार्य है और इसमें विशेषज्ञता आने में भी काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी आपको सीखना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, क्योंकि चुनाव क्या है टेक्निक के साथ बदलता जाता है, उसका नेचर उसकी जो प्रगति है वो बदलती रहती है। पिछले 10-20 साल में ही हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें चुनावों में बदल गई हैं। VVPAT आ गया EVM के साथ, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो हम लोग जानते हैं कि EVM के साथ लगा के रखा जाता है और जिसमें वोटर द्वारा वोट डालने पर हम लोग देखते हैं पर्ची निकल के आती है, तो वो पहले EVM में नहीं लगाता होता था लेकिन पिछले कुछ सालों में ही VVPAT इंट्रोड्यूस हो गया है कि पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। पहले ये पोस्टल बैलेट की सुविधा जो सैन्य दल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके कार्मिकों को उपलब्ध थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करके पीपल विद डिसेबिलिटी फील्ड से जो संबंधित वोटर्स हैं उनको दिया जा रहा है, सीनियर सिटीजन्स को दिया जा रहा है, तो बहुत सारी नई नई पहले जुड़ती जा रही हैं और उसके लिए एक सेटअप बनाना होता है। आम लोगों के मन में ये लगता है कि इलेक्शन सिर्फ एक दिन की प्रक्रिया है, लोग जाएंगे वोट डालेंगे और इलेक्शन हो गया, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि इलेक्शन जहाँ कहीं भी आयोजित होने होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे एक साल पहले से इसकी तैयारी करनी होती है। इसमें जो तैयारी की शुरुआत होती है वो वोटर लिस्ट के बनने से लेके इलेक्शन डे तक, मतलब जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन तक की एक ग्रॉस भारी भरकम तैयारी होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन का नीचे से लेके ऊपर तक का हर कार्मिक, चाहे वो सीनियर ऑफिसर हो या जूनियर हो, उसको लगना पड़ता है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में दो फील्ड ऐसी हैं जो हमेशा सह समय काम करते हैं, एक इलेक्शन है और एक आपदा डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर और इलेक्शन बहुत ही क्रूशियल फिनोमिना है एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं सही जाती है, क्योंकि अगर आपके द्वारा किसी भी तरीके की गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड अपनाया जाए या लापरवाही की जाए तो उससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेस होता है वो विशिएट हो जाता है, इलेक्शन में दूषित हो जाता है, और यदि प्रक्रिया ही हमारी दूषित हो जाएगी तो हम निष्पक्ष कैसे रह पाएंगे, हम पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक कैसे संपन्न करा पाएंगे। तो ये जॉब जो है वास्तविकता में एक बहुत ही जिम्मेदार कार्य को करने के लिए आपके लिए एक चैलेंज प्रस्तुत करती है। स्पेशलाइजेशन मैंने जैसा आपको बताया कि इलेक्शन रिलेटेड रहेगा, और चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायती चुनाव कराता है, नगर निकाय के चुनाव कराता है, वो भी इलेक्शन सर्विस के ऑफिसर्स की सेवाओं को लेते हैं, तो एक बड़े लेवल पे आपको चुनाव संबंधी गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा। भारत एक डेमोक्रेसी है और भारतीय समाज को, तंत्र को चलाने के लिए जो मूलभूत चीज़ है वो लोकतंत्र, और एक इलेक्शन अफसर के
तौर पे आपको उस मूलभूत प्रवृत्ति से जुड़ने का मौका मिलेगा जो जो इस समाज का मूल आधार है। तो निश्चित तौर पे अगर इस बिंदु से अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये गर्व भी महसूस होगा कि आप भारतीय समाज के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबसे अहम आधार के लिए कार्य कर रहे हैं। इलेक्शन डायनेमिक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है अब, तो जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं या अपडेटेड हैं चीज़ों को लेके, वो निसंदेह बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट अब एडमिनिस्ट्रेशन में, खासकर इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज़्यादा होता है कि जितना ही अपडेटेड एस्पिरेंट टेक्नोलॉजी के प्रति होगा, सूचनाओं के प्रति होगा, इन्फॉर्मेशन के प्रति होगा, चूँकि ये एक इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है, तो ऐसा स्टूडेंट जो इन सारी चीज़ों के प्रति अपग्रेडेड होगा, अपडेटेड होगा, वो निस्संदेह यदि सर्विस में आता है तो बहुत ही अच्छा एक्सेल करेगा और स्टेट लेवल पे एक्सपोजर के साथ ही साथ नेशनल लेवल का भी एक्सपोजर पाएगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सर्विस के ऑफिसर्स को एज अ ट्रेनर यूज़ करते हैं और बिहार इलेक्शन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो अदर स्टेट्स में भी जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग देने जाते हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर बनाए जाते हैं, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर बनाए जाते हैं। ये स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर और नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर का मतलब है कि आप इलेक्शन कंडक्ट करने वाली मशीनरी को ट्रेनिंग दें, तो एक तरीके से आपका स्कोप एक नेशनल पर्सपेक्टिव के लिए भी हमेशा खुला रहता है। जितना ज़्यादा आपका स्पेशलाइजेशन होगा आप अपनी फील्ड में उतना ही अच्छा एक्सेल करेंगे। मैं जैसे यहाँ पे वोटर अवेयरनेस का काम देखता हूँ तो मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, यहाँ पे वोटर अवेयरनेस का काम देखता हूँ, मीडिया रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखता हूँ और मैं चूँकि मास्कॉम फील्ड से हूँ तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्निकल नॉलेज है मुझे मेरी फील्ड की, वो मुझे इस कार्य को यहाँ पे करने में मदद पहुँचाती है। इसी तरीके से इलेक्शन के जो सॉफ्टवेयर विंग है, जो टेक्निकल विंग है, जो अलग तरीके के ऐप बना रही है, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए PWD ऐप या और भी कई तरीके के ऐप डेवलप कर रही है, तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए वो फील्ड बहुत अच्छी है। जो एग्जीक्यूटिव MBA फील्ड के हैं वो उनके लिए मैनेजमेंट, क्योंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, एक बहुत ही जटिल मैनेजमेंट जिसमें आपको प्रशासन के सभी पक्षों को कोऑर्डिनेट करके इस प्रक्रिया को पूरी शुद्धता के साथ कंडक्ट कराना है, और ये अपने आप में एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज है और जिसमें आपको कोई सेकंड रीटेक देने का मौका भी नहीं मिलता है, मतलब कोई सेकंड रीटेक नहीं है, आपको एक ही बार मौका मिलेगा और आपको उसमें सेंचुरी मारनी है। ये हमेशा यहाँ पे ये नियम है कि एक ही बार में आपको मैच जीतना है, कोई रिटेक का मौका नहीं है। तो ऐसा जहाँ प्रोसेस होता है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है अपने नॉलेज के प्रति, और नो डाउट इसमें वही लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे जो मैनेजमेंट स्किल्स में अच्छे होंगे, टेक्निकल अपग्रेडेड होंगे और जिनका मनोबल बहुत अच्छा होगा और जिनके अंदर हार्ड वर्क और प्रेशर झेलने की ज़बरदस्त क्षमता होगी। तो BPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा बस यही कहना है कि कोई भी तैयारी जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ होती है। आपको एकेडमिक्स में भी अच्छा होना पड़ेगा, आपको बोलने में भी अच्छा होना पड़ेगा, आपको लिखने में भी अच्छा होना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करेंगी जो आपको प्रशासनिक समस्याओं को समझने में और उनका समाधान करने में जुझारू रूप से तैयार कर सकेगा। तो नो डाउट एकेडमिक्स में जोर देना चाहिए, आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एकेडमिक्स के साथ आपकी जो सामान्य जानकारी है, जो कॉमन सेंस है, वो भी उतना ही शार्प होना चाहिए कि आप समस्याओं का समाधान त्वरित कर सकें। और एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग जो होते हैं वो निसंदेह बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। इंटरव्यू में भी जो इंटरव्यू होता है वो वास्तविकता में क्या है, किसी भी सिविल सर्विस का इंटरव्यू है आपके अंदर झांकना। तो अगर आपको अपना इनर व्यू स्पष्ट है, क्लियर है,
आप क्या चाहते हैं, आपका विज़न क्या है, आपका गोल क्या है, तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसे निकाला नहीं जा सके। दूसरी बात, विज़न बड़ा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एक ऐसे तंत्र से जुड़ रहे हैं जो जनता की सेवा के लिए बना है, तो जब जनता की सेवा के लिए बना है, जनता को फैसिलिटेट करने के लिए बना है, तो आपका ये प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि आप जो भी काम करें उसमें कितने बड़े ग्रुप को फ़ायदा पहुंच रहा है और उससे जनता किस तरीके से फैसिलिटेट हो रही है। ये एक बेसिक वर्च्यू है जो हर किसी एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए, खासकर पब्लिक पब्लिक जॉब में तो ये नो डाउट होना ही चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में ट्रेनिंग को लेके मेरी और भी कई बातें हैं। इलेक्शन सर्विस में आने के बाद आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो यहाँ पे दी जाती है वो होती है, इलेक्शन कमीशन में ट्रेनिंग होती है आपकी, यहाँ पे बिहार सरकार का जो ट्रेनिंग संस्थान है बिपार्ड, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, डिपार्टमेंट में आपकी ट्रेनिंग होती है, फील्ड में सब डिवीज़न में आपकी ट्रेनिंग होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का कई चरण हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है और प्रशासन को समझने का मौका दिया जाता है। इस अनुभव के बाद ही आपको एक बड़े स्तर पे चीज़ों को जानने और समझने का जो मौका मिलता है, इससे आप और ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं और फिर जैसे जैसे कार्य करते हैं कार्य अनुभव आपका बढ़ता जाता है, तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और उनको करने लगते हैं। देखिए, बिहार इलेक्शन सर्विस की पोस्टिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सब इलेक्शन अफसर पे आपकी पोस्टिंग जो होती है वो सब डिवीज़न लेवल पे होती है और उसके बाद जो पहला प्रमोशन होता है वो डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के तौर पे होता है। बिहार के अलावा जो दूसरे राज्य हैं, स्टेट हैं, वहाँ पे जो डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो ADM रैंक के ऑफिसर होते हैं। बिहार में चूँकि ये कैडर है तो इसलिए इसी कैडर के ऑफिसर जो होते हैं वो वहाँ पर जाके ज्वाइन करते हैं डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर। डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के ऊपर डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है जिस पे पोस्टिंग होती है, और उसके ऊपर जॉइंट चीफ इलेक्टोरल अफसर और एडिशनल चीफ इलेक्टोरल अफसर का भी पद ओपन है, जिस पे अभी पोस्टिंग नहीं शुरू हुई है लेकिन हो जाएगी जल्दी। तो एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है ये, इस सर्विस से जुड़ के व्यक्ति एक स्पेशलाइजेशन के साथ बहुत अच्छा कर सकता है। और दूसरी बात, इलेक्टोरल फील्ड में यदि आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो आपको एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आपके अंदर स्पेशलाइजेशन है तो आप वहाँ पे स्कोप देख सकते हैं कार्य करने का और वहाँ भी आपको पूछा जाएगा, मौका मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा दो चीज़ों पे काम करता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और जनरलाइज ऑफिसर। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं आपकी, वो जनरलाइज्ड ऑफिसर्स की सर्विस हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इस सर्विस के ऑफिसर हर विभाग में काम करते हैं जाके, और जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होते हैं वो सिर्फ अपनी विशेषज्ञता रखने वाली जो आपकी सर्विस होती है उसी पे कार्य करते हैं। जैसे पुलिस सर्विस, तो पुलिस में जो विशेषज्ञता रहता है वो कानून व्यवस्था का काम देखता है। फाइनेंस सर्विस, जो वित्त में विशेषज्ञता रहता है वो वित्त संबंधी कार्यों को देखता है। उसी तरीके से ये है इलेक्शन सर्विस, यहाँ पे आप इलेक्शन रिलेटेड कार्यों को देखेंगे, उसमें विशेषज्ञता रखेंगे, इसलिए आप इसी सर्विस में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। और ये चूँकि जटिल समाज है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है ग्लोबलाइजेशन के बाद से, और यहाँ पे आप जितना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे अपनी चीज़ों को लेके, आप अपनी फील्ड में उतना ही ज़्यादा मजबूत आधार और जगह बना सकेंगे। ये आपके लिए एक नया स्कोप खोलेगा। मेरी तरफ से मोटे तौर पे यही कहना है कि विज़न बड़ा रखिए, मेहनत कीजिए और BPSC की अच्छे से तैयारी कीजिए। बिहार पब्लिक सर्विस के थ्रू जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सेवाएँ हैं, वो सभी बेहतरीन है। कोई भी सर्विस ख़राब या अच्छी नहीं होती है, ये डिपेंड करता है व्यक्तित्व के ऊपर, आपका व्यक्तित्व कैसा है। यदि व्यक्तित्व अच्छा है तो आप ऐसी जगह भी बहुत अच्छा कार्य कर ले जाएंगे जहाँ पे पहले किसी ने अच्छा कार्य नहीं प्रस्तुत किया हो। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे कार्य करने के मौके होने के बावजूद भी वहाँ पे परफॉर्मेंस लोग अच्छी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो विज़न बड़ा नहीं रख पाते हैं या उस तरीके के एटीट्यूड को नहीं डेवलप कर पाते हैं जो प्रोफाइल वहाँ पर डिमांड कर रही होती है।
इसलिए सबसे बेसिक चीज़ है कि आप जिस प्रोफाइल में जा रहे हैं, चाहे किसी भी बीपीएससी के थ्रू आप किसी भी पद में जाएं, आप अपनी उस प्रोफाइल को किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपना एटीट्यूड किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को भी हमें समझना होगा। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, मैंने दो शब्द बोले हैं। एप्टीट्यूड हो गया अभी क्षमता, और एटीट्यूड हो गया मतलब कि आप किस तरीके से तैयार हैं उन चीज़ों को लेके। उदाहरण के तौर पे मेरा ये कहना है कि सचिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं आज, और वो एक महान क्रिकेटर के तौर पे गिने जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि उनके अंदर एटीट्यूड, इस चीज़ की मनोवृत्ति थी कि वो क्रिकेट खेलें, और उनके अंदर वो स्किल था कि वो क्रिकेट अच्छा खेल लेते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके अंदर स्किल की कमी होती है, लेकिन आपके अंदर ये इच्छा होती है कि हम ये पा जाएं। तो आप अगर वो चीज़ पा भी लेंगे लेकिन आपके अंदर उस चीज़ की स्किल नहीं है, तो वहाँ अपने आप को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, वहाँ आप अपना एक्सेल नहीं कर पाएंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पे पहले अपने स्किल को पहचानें, आपका स्किल क्या है। यदि आपका स्किल बहुत आप पहचानने में सफल रहे हैं तो आप उसी फील्ड को चुनें और उसमें अच्छा बेहतर करें। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत समय बाद पहचान पाते हैं कि मेरा स्किल इस फील्ड में अच्छा था और मैं इस फील्ड पे आ गया हूँ। तो भी ज़िंदगी में बहुत सारे अवसर हैं, मौके हैं, अपने आप को सुधारिए। लेकिन मेरा बस यही कहना है, जो भी कार्य करना है वहाँ पे अपने स्किल को हमेशा अपग्रेड रखना है, और कार्य को लेके, लक्ष्य को लेके जो भी आप अपना विज़न तय करते हैं उसके लिए आप अपना एटीट्यूड और अपने स्किल को हमेशा डेवलप कीजिए, विकसित कीजिए। सफलताएँ आपके हाथ में होंगी और उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये प्रकृति इस हिसाब से ही बनी है कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 8-9 साल का मेरा सरकारी नौकरी में एक्सपीरियंस हो गया है, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे चुनाव इस बीच में संपादित कराए हैं, और ब्लॉक लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक की मशीनरी को कार्य करते हुए देखा है, और उनके साथ कार्य करने का मौका मिला है, जो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मुझे अपने सीनियर ऑफिसर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों से भी बहुत कुछ सीखने से को मिला है। तो किसी भी व्यक्ति से सीखने में पीछे नहीं रहना है, नीचे से लेकर ऊपर तक का हर व्यक्ति, जहाँ से भी आपको सीख मिले उसको तुरंत लीजिए और उसको अपने स्किल में डालिए, उसको डेवलप कीजिए, अपग्रेड कीजिए। जीवन चूंकि एक डायनेमिक प्रक्रिया है, और जितना ज़्यादा आप विकसित होंगे, ज़्यादा स्किलफुल होंगे, आप आने वाले चैलेंजेस को उतना अच्छी तरीके से फेस कर पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे। बाकी मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, ये बात है। तो यदि कोई लक्ष्य बड़ा नहीं है तो मन से इच्छा शक्ति अपनी पूरी करके उसकी ओर जुट जाना है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद।